गर्मी देख रहे हो कितनी हो रही है, 42 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, पता नहीं कैसे होगा। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड इस बार व्लॉग फिर से जा रहा है जिम कॉज पे, लेकिन इस बार मेरे साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। देखोगे कोई भी नहीं। तो इस बार ये व्लॉग, ये सीरीज जो आ रही है, ये मैं अकेले शूट करूँगा। और जो जिम कॉर्पोरेट का है मेरा प्लान, मोस्ट प्रॉब्ली तो आसपास की ही जगह सारी एक्सप्लोर करने की है, लेकिन 6 डेज का है, 6 नाइट्स का लिया मैंने इस बार। सो लेट्स सी कैसा रहता है। मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है अकेले, बिकॉज हमेशा निधि और वान्या साथ होते हैं। तो चलो, यहाँ से मैंने मूव कर लिया है, दिल्ली में हूँ इस वक्त, जस्ट घर से निकला हूँ, पेट्रोल भरवा रहा था, भरवा लिया, अब सीधा जिम कॉर्बेट। और ETA जो दिखा रहा है वही 5 घंटे के आसपास का दिखा रहा है। इस वक्त समय जो हो रहा है वो हो रहा है 12:30, 12:30 बज रहे हैं दोपहर के, 42 डिग्री टेम्परेचर है और बैठे हैं हमारे बस AC चला के। चलो आपसे आगे। सो इस वक्त पहला टोल जर्नी का अपना 6 जर्सी पहुँच गए भाई। और ETA जो दिखा रहा है अभी दिखा रहा है 5 बजे का, 4:40 का ETA है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट स्टॉप जो है वो खाने का, वो गजरौला में, फिर उसके बाद आगे अपनी कंटिन्यू करेंगे। कोशिश तो यही है कि गजरौला पे जैसे हमेशा करता हूँ, गजरौला से लिया और चलते चलते ही अपना सीधा डेस्टिनेशन पे, क्योंकि मैक्सिमम जो है मैं चाहता हूँ कि पहुँच के वहाँ पर सामान वगैरह रख के फिर उसके बाद सफारी वगैरह के लिए शुरू कर दूँ, क्योंकि रात की भी जो है मोहान वाली साइड पे वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि मूवमेंट वहाँ पे जैसे है टाइगर की। तो इसलिए तो चलो देखो भाई, माहौल होता है ये सारे चल रहे हैं भाई लोग, अपने ताश चल रही है बढ़िया एकदम, इसमें है मज़ा यार। देखो भाई सारे सही। तो भाई इस वक्त गढ़गंगा पहुँचने वाले हैं और पीछे अभी जस्ट टोल दिया है। ETA जो दिखा रहा है अभी 5 बजे का ETA दिखा रहा है 120 किलोमीटर और 2 hours 51 minutes, और वही रुकेंगे भी अभी आधा घंटे के करीब। ये गंगा आ गई इधर, जय गंगा मैया की। तो इस वक्त ड्राइव थ्रू पे खड़े हुए हैं, आप देख रहे हो, और ट्रैफिक है रोड पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। एंड सोचा नहीं था कि इतना ट्रैफिक होगा, लेकिन आई बिलीव शायद लॉन्ग वीकेंड रहा होगा या सैटरडे संडे लोग वापसी के लिए होंगे, लेकिन जिम कॉर्बेट पे ना हो। जिम कॉर्बेट जितना खाली होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है जो रात की ड्राइव के लिए और स्पॉटिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है तो उतना नहीं हो पाता। और इस बार क्योंकि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इस बार मैंने मतलब वो सब कर सकता हूँ जो वान्या के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि एक टाइम टेबल फॉलो करना होता है। तो अभी अकेले हैं तो ठीक है, अभी किसी भी वक्त रात को कितनी भी देर तक बाहर, तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। बाकी देखो कैसा रहता है इस बार का, बाकी सफारी वगैरह का भी पता करेंगे। अभी मैं कुछ भी करके नहीं चल रहा, क्योंकि ये मेरा इंस्टेंट प्लान था, तो मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करा। ऐसे कल मेरा प्लान डिसाइड हुआ, मैंने बस होटल की बुकिंग करी और सीधा आज निकल गया। और भाई जस्ट मैं निकला हूँ, और ये सामने जो आप देख रहे हो ये टूवर्ड्स मुरादाबाद जा रहा है रास्ता, पिछले ना आधे किलोमीटर, पिछले 500 मीटर से फुल हवा चल रही है तेज, और आगे बारिश हो रही है कहीं, या बारिश का माहौल जो भी है मौसम बना हुआ है। तो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी कैसा रहता है। बारिश रामनगर, बारिश जिम कॉर्बेट।
भाई पहुंच गए हैं काशीपुर, और यहां से अब ETA है, ज़्यादा नहीं है, बस 30 मिनट 35 मिनट का और है, 27 किलोमीटर रह गया है रामनगर अपना। और बस यहां पे अब कुछ काम है थोड़ा सा, एक देखता हूं अगर वो काम हो जाता है, नहीं तो फिर सीधा जिम कॉर्बेट ही सीधा, फिर उसके बाद नहीं तो जिम कॉर्बेट। तो चलो पहुंचते हैं, आगे निकलते हैं। तो फिर सो रामनगर फाइनली हम पहुंच गए हैं, और बस आगे अब जो बोर्ड आएगा, जो टर्न आएगा, जो मोड़ आएगा, वो उससे लेफ्ट हो जाएंगे झरना के, और ये देखो आप सामने पहाड़, जिम कॉर्बेट के पहाड़। How's the josh? High, very high. तो ETA है, ETA भी क्या 3 मिनट का रास्ता रह गया है, 2 किलोमीटर है, और सामने ऐसा व्यू मिल रहा है जिम कॉर्बेट का। बारिश रुक गई थी मुरादाबाद के बाद, बारिश हुई नहीं तो विच इज़ गुड। यहाँ क्लियर टेम्परेचर है, अभी 31 डिग्री हो रखा है टेम्परेचर। एंड बस अब होटल जाऊँगा, चेक इन वगैरह करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके एक्शन शुरू करेंगे। अभी सोच रहा हूँ कि एक चक्कर होटल जाने से पहले डेला से वापसी का एक चक्कर लगा लेता हूँ, क्योंकि शाम होगी या यही टाइम है मूवमेंट का, और अब से लेके सुबह तक मूवमेंट ही रहेगी। तो लेट्स सी, एक बार ही मैं चक्कर लगा लेता हूँ, और अभी तो मैं लेफ्ट लेने लगा हूँ जस्ट, और फिर उसके बाद सीधा डेला जाता हूँ। तो चलो मिलते हैं आपसे आगे। तो ये जिन्ना रोड पे आ गया हूँ, ये लेफ्ट में, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये ढेला का रेस्क्यू सेंटर है, फॉरेस्ट ऑफिसर बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अब ये टूवर्ड्स ढेला की तरफ मैं जा रहा हूँ, झरना ढेला रोड पे हूँ। और कि अभी तो हूँ, जैसे कि आपको पता है मैंने बताया, 6 नाइट्स अभी मैं यहीं पे हूँ, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मेरा रहेगा, सफारी तो करूँगा एक दो, लेकिन मैक्सिमम जो मेरा रहेगा वो रात की एक्टिविटी रहेगी। तो अभी ढेला गेट तक मैं पहुँच गया, और बस अब ढेला से मैं यू टर्न लेता हूँ, और उसके बाद वापसी के लिए होटल का चेक इन वगैरह करते हैं। तो हम वापस आ गए थे झरना से, इस बार का स्टे जो है मैंने ढेला झरना रोड पे ही, जस्ट मैं आपको अभी टर्न लेके दिखा देता हूँ, तो यहीं पे मैंने लिया है, क्योंकि अपने को एक्सेस जो है वो अपने को एक्सेस बहुत अच्छी चाहिए, और रात को कोई आने जाने का। तो मैंने गाड़ी टर्न लेके जस्ट मैंने दिखाने के लिए आपको, तो ये इस वक्त बोर्ड भी आपको दिख रहा है और पीछे प्रॉपर्टी भी दिख रही है। सो ये गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है, और ये एंट्री कॉर्बेट जंगल बाय जीताइन, ये रिसेप्शन है, यहाँ से टूवर्ड रिसेप्शन, ये एरिया इसका बाद में दिखाता हूँ मैं, पहले मैं एक बार रूम में हो लूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये स्टेयर्स ऊपर, आपका शुभ नाम अशोक, रूम नंबर कौन सा है अशोक जी? 104। सो ये रूम 104, ये एरिया नीचे का मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लाइट कहाँ से है? ये वॉशरूम, ये रूम है, नीचे व्यू, ये लगेज अलमीरा, और ये शाम को जब नीचे बैठने के लिए, और ये जो पीछे आप देख रहे हो ये बिजरानी रेंज, मेरा पीछे वॉल के उस तरफ। चलो पहले थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे। झरना की तरफ हम गए थे, लेकिन झरना पे हमें इतनी अभी कोई साइटिंग, कैम में आया था मैंने लिया नहीं, बस क्रॉस कर रहे थे स्पॉटेड डियर, तो स्पॉटेड का ही दिखा, लेकिन अब जैसे आए हैं करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश अप हो लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे आगे। चेयर्स।